बाबर आजम ने सोमवार को लंका प्रीमियर लीग 2023 में कोलंबो स्ट्राइकर्स के लिए गिल टाइटन के खिलाफ मैच विजय शतक जमाया। उन्होंने केवल 59 गेंदों में 104 रन बनाए, जिसकी मदद से कोलंबो स्ट्राइकर्स ने 189 रन का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया। आजम ने सोमवार को लंका प्रीमियर लीग में शतक जमाकर इतिहास रच दिया। बाबर आजम पुरुष T20 क्रिकेट में 10 शतक जमाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बने। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जमाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के विस्फोटक ओपनर क्रिस गेल के नाम दर्ज है। आजम अपने डेब्यू सीजन के चौथे मैच में यहां कमाल किया। LPL में बाबर आजम की शुरुआत साधारण रही और वो केवल 7 रन बनाकर आउट हो गए थे, मगर जल्द ही उन्होंने अपनी लय हासिल की और अगले दो मैचों में क्रमशः 59 व 41 रन बनाए। बाबर T20 क्रिकेट में 10 शतक जमाने वाले पहले एशियन बल्लेबाज बने। भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली इस लिस्ट में 8 शतक के साथ दूसरे स्थान पर काबिज है। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज है। उन्होंने यह उपलब्धि 52वीं पारी में हासिल की थी। वही बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा अर्धशतक जमाने वाले बल्लेबाज भी है। बाबर आजम ने 2021 T20 वर्ल्ड कप में 4 अर्धशतक जमाते हुए 303 रन बनाए थे, जो कि रिकॉर्ड है। ऐसे ही न्यूज अपडेट्स के लिए बाबर क्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करें।